इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर, और कैसे हैं? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बस आप लोगों का आशीर्वाद है, अच्छे हैं हम भी। आदाब वकील साहब। आदाब, जय हिंद कर्नल साहब। अब तो हमारा प्रोग्राम कुछ अलग ही हो गया है, पता है ना आपको? हाँ, कैसा है? आपको मालूम हुआ नहीं? जाएगा अलग कैसा हो गया वो समझ जाना। हाँ हमने तो इसका जानकारी नहीं है हमें तो। अच्छा भाई, हमारा प्रोग्राम ऐसा हो गया है कि अब रिश्ते भी आने लगे हमारे प्रोग्राम में। हाँ रिश्ते आने, वो क्या है कि अच्छे लोगों के तो आते हैं ना रिश्ते। हाँ वही तो कह रहा हूँ, हम उसकी उनकी तारीफ कर रहे हैं, अपनी नहीं कर रहे। और दूसरी चीज ये है कि जितने भी आपके साथ में जो सदारत मोहतरमा में की, मगर शैलजा जी की जो बात है वो किसी और में नहीं हो अभी तक देखी भाई। हाँ देखिए, ज्यादा तारीफ मत करिए, हमें नुकसान भी हो सकता है। अरे आप अपनी ही बच्ची को तारीफ करना, पर अपने ऐसे नसीब वाले हैं अपन की जो ऐसी बच्ची अपने नसीब में आई है। सही बात है, सही बात है। खुश रहें, सलामत रहें, ये भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। बताइए मेरे लिए क्या सेवा? ये जो साल दो साल के तीन साल के बच्चे जो होते हैं, एक उनको बीमारी होती है सूखे की, जो सूखते जाते हैं वो लोग, तो ये होती काय से और उसका इलाज क्या है? और दूसरा ये है कि अदरक और लहसुन और जैतून का सिरका जो है वो तो सब लीवर है और खून पतला करने, इसमें नींबू का क्या काम है ये जानना चाहता हूँ मैं। हाँ देखिए, इसमें क्या है कि दो चीजें बहुत गर्म हैं और दो चीजें बहुत ठंडी हैं। ये वैसे है सारे एसिड, अब अगर सिर्फ ठंडे एसिड दे दिया जाए, नींबू भी एक एसिड है और सिरका भी एक एसिड है, अगर ये दे दिया जाए तो आदमी को ठंडा पड़ेगा, और ये सब चर्बी के दुश्मन हैं। और ये जो ये है ना लहसुन, इसमें पारा है, पारा काफ़ी गर्म होता है, और इसका काम है ढूंढना, ये जो होते हैं ना आप कहेंगे सेंसर, इस सेंसर का काम करता है, ढूंढता है। जैसे हमारे फ़ोन में सेंसर होते हैं ना कि हमें हमारा चेहरा देख के और फौरन उसका लॉक खुल जाता है या हमारी उंगली लगाने से खुल जाता है, ऐसे सेंसर होते हैं इसमें। तो ये हमारी नसों में घूमता है कि चर्बी कहाँ है, और इसके पीछे पीछे ये तीनों चीज़ें चलती हैं इसमें मिक्स होकर, और जहाँ चर्बी हुई ये फौरन पकड़ के उसको ले कर निकल जाते हैं। तो इसका तवाज़ुन कायम रखने के लिए, यानी कोई ज़्यादा चीज़ ठंडी ना हो जाए या कोई चीज़ गर्म ना हो जाए, तो ये अत्तबा ने एक नुस्खा निकाला है हकीमों ने, जो मेरी नज़र में पूरी दुनिया में इससे अच्छा नुस्खा नहीं है। अच्छा, ये देखने में तो ये काम करता है कि कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, लेकिन ये बंद नालियाँ, जो दिल की बंद नालियाँ होती हैं उनको खोल देता है। फिर किडनी पे बड़ा असर अंदाज होता है, क्योंकि किडनी के टिश्यू को साफ़ करना हर दवा के बस की नहीं है, क्योंकि दवाएं तो उसके टिश्यू को ख़राब करती हैं, लेकिन सिर्फ इसमें है, ये नींबू में मिलकर जब ये तीन दवाएं काम करती हैं तो उसके टिश्यू को ऐसे पाक कर देती हैं, जैसे हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं ना, फिर धो के साफ़ करके लॉन्ड्री होके आते हैं, इसी तरह लीवर को बहुत गर्म नहीं, थोड़ी ठंडी दवाएं भी चाहिए। तो ठंडी गर्म मिलके दवाओं के मिजाज से इंसान के मिजाज को मिलाना हकीमों का काम है। एलोपैथ और यूनानी में ये फ़र्क है कि यूनानी मरीज़ का भी मिजाज जानती है और दवाओं का भी मिजाज जानती है, और एलोपैथ सिर्फ मरीज़ को जानती है, ना मरीज़ का मिजाज समझती है ना दवा का मिजाज समझती है। उसमें आप जो हैं, आपको भी वही दवा, मुझे भी वही दवा, और अक्सर वो गर्म दवाएं होती हैं जो हमारे लीवर और किडनी को डैमेज करती हैं जी। दूसरा सवाल इनका ये था कि बच्चे सूखते क्यों चले जाते हैं? हाँ देखिए, बहुत पुराना रोग है सूखा रोग,
और इसके बारे में कई धारणाएं हैं, लेकिन जो सबसे मजबूत बात मानी जाती है वो ये है कि उनके जो ग्लैंड्स होते हैं वो मोटा होने वाला मादा पैदा नहीं कर पाते और वो सूखते चले जाते हैं, तो उन ग्लैंड्स को तकवियत देकर उनको फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है।